नमस्कार, मैं आरिफ मंसूरी, प्रकाश भवन आपका स्वागत है। यूपी के लखनऊ में कोरोना एडवाइजरी जारी होने के बाद डीजे और बैंड पर लगे प्रतिबंध का हो रहा विरोध। डीजे बैंड संचालक पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास। कानून मंत्री से डीजे बैंड संचालकों के हित में फैसला लेने की लगा रहे गुहार। 15 दिसंबर तक मोहलत देने की कर रहे डीजे संचालक मांग। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे डीजे और बैंड संचालक कोविड-19 की दृष्टि से जारी एडवाइजरी का कर रहे विरोध। यहाँ पर आप आए हैं, क्या मांग है, किस लिए यहाँ पर आए हैं? भैया, हम लोगों का डीजे का और बैंड का काम है। हम लोगों का डीजे और बैंड का काम, दोनों का काम में रोक लगा दी गई है भैया। यही हम लोग की रोजी रोटी है भैया। अगर हम लोग का ये काम बंद कर दिया जाएगा तो हमारे घर के बच्चे, हम लोग किस तरह जीवन यापन करेंगे, किस तरह बच्चों की फीस देंगे, क्या करेंगे? हमारे पीछे 10-10, 20-20 लोग है भैया काम करने के लिए। भैया, हम लोग की केवल इतनी मांग है कि हम लोग को 15 दिसंबर तक ये काम कर लेने दिया जाए। बाकी सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप चाहते हैं तो मैं 8 आदमी कर लूंगा, आप चाहते हो तो 10 गमले की रोड कर, मैं 5 गमले की रोड लाइट कर लूंगा। बस किसी तरह भैया हम लोग की ये मांग पूरी करवा दीजिए आप, बहुत आपका एहसान होगा भैया। पिछली बार ब्रजेश पाठक जी ने हम लोग के ऊपर एहसान करा था, इस बार और कर दे, हम लोग को अनुमति दिला दे भैया काम करने के लिए। ये सारे यूनियन के कारीगर सब इसीलिए आए हैं यहाँ पर।